हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फाइनली निकले बैंगलोर से लेके, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं चिकमंगलोर। एंड हमारा थोड़ा एक हफ्ते का ऑलमोस्ट प्लान है। चिकमंगलोर में 2 दिन हम लोग रहने वाले हैं, एंड उसके बाद में वी हैव प्लान टू विजिट जोग फॉल्स, एंड उसके बाद में वी आर प्लानिंग टू विजिट मुर्डेश्वर, गोकर्णा। ये सारे मैं व्लॉग्स में कवर करते आऊँगी। सो राइट नाउ हम लोग बैंगलोर से निकल चुके हैं, एंड अभी हम लोग ने छोटा सा चाय, कटिंग चाय पीने के लिए हम लोग रुके हैं। एंड इसके बाद में वन ऑफ माई फ्रेंड ही टोल्ड मी टू टेक आर फर्स्ट पिट स्टॉप विच इज़ नियर येडियो सिद्धलिंगेश्वर टेम्पल के यहाँ पे उन्होंने मुझे लोकेशन दिया है, वो ऑन द वे ही है। उसके बाद में सेकेंड पिट स्टॉप हमारा प्रोबेबली बेलूर में रह सकता है, अगर इफ़ टाइम परमिट्स, अगर हम लोग फ्लो पे अगर हम लोग जा पा रहे हैं डायरेक्टली चिकमंगलोर, देन वी विल गो फ्रॉम येडियोर इट्सेल्फ। सो इस वीडियो पर बने जरूर रहना। सो अभी हम लोग हमारे फर्स्ट पिट स्टॉप में रुके हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज येडियोर। चिकमंगलूर जब भी हम लोग जाते हैं वही रूट पे आपको ये चीज़ मिलेगी। येडियोर एक लोकेशन का नाम है, गांव का नाम है। येडियोर सिद्धलिंगेश्वरा करके आपको एक टेम्पल मिलेगा। ये गोपुरम है सिद्धलिंगेश्वर टेम्पल का। अंदर अभी हम लोग जाएंगे तो अंदर के मैं विजुअल्स आपके साथ शेयर कर पाऊँगी क्या नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे अगर वो लोग अलाउ करते रहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर नहीं तो दिस इज़ दी एंट्रेंस। एंड यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए 20 रुपीज़ अगर फोर व्हीलर लेके आते हो तो, एंड टू व्हीलर के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एंड यू कैन पार्क योर व्हीकल यहाँ पे सेफ, ऐसा कुछ इश्यूज़ नहीं है। एंड यहाँ का एक और एक खासियत ये है कि यहाँ पर अन्नदान होता है। अन्नदान उसका भी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है, एंड 12:30 से लेके कुछ 2 या 3 बजे तक तो कुछ उनका लंच का टाइमिंग रहता है। एंड ये मंदिर एस्पेशली महाशिवरात्रि और उगादी, ये दो फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है और रश भी उतना ही लेवल पे रहता है यहाँ पे। सो श्री को अपना बाइक दिखाना था व्लॉग में, दिखा दिया मैंने, चल अभी बाइक। ओके, सो हमारा फर्स्ट पिट स्टॉप तो सिद्धलिंगेश्वर टेम्पल हम लोग का था। सो वो हम लोग ने कवर अप किया, बट हम लोग ने ब्रेकफास्ट मिस कर दिया। वहाँ का 8 से लेकर 10 o'clock का ब्रेकफास्ट का टाइमिंग रहता है, हम लोग ने वो चीज़ मिस कर दिया। एंड वी हैव स्टॉप्ड नियर कैफ़े उडपी रुचि, कई रुचि जैसा है वैसे ही है ये भी। सो हम लोग यहाँ पे आके फ़िलहाल हम लोग ने सेकेंड, मतलब नॉट सेकेंड स्टॉप, येडियोर से थोड़ा सा आगे ही आपको ये होटल मिल जाएगा, दिख रहा है ना आपको, मिल जाएगा। सो यहाँ से एक वन स्ट्रेच पे वी विल रीच आवर होटल रूम, ऐसा सिद्धेश ने बोला है। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं। यहाँ पे 150 रुपीज़ का थाली करके यहाँ पे वो लोग ने ऑफ़र तो लिखा है, सो मैं आपको टेस्ट ज़रूर बताऊँगी कैसा रहेगा करके। Thank you.
सो चिकमंगलोर जाते वक्त हम लोग ने जो सेकेंड लोकेशन पे हम लोग ने पिट स्टॉप लिया है दैट इज़ चन्नकेश्वर टेम्पल विच इज़ इन बेलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड चिकमंगलोर जाने के रूट पे ही आपको ये मिलेगा एंड ये बहुत ही ज़्यादा एंशियंट टेम्पल है एंड ये टेम्पल को बांधने के लिए ऑलमोस्ट 103 साल उनको लगा था ये टेम्पल बांधने के लिए जहाँ पे बार बार उसे बांधा गया एंड डिमोलिश भी किया गया। जब भी वॉर होता था वो वॉर के टाइम पे कुछ ना कुछ एक या दो चीज़ ऐसा छूट जाता था या कुछ ना कुछ डिमोलिश हो जाता था एंड अंदर जो भगवान है दैट इज़ विष्णु भगवान एंड उन्हीं का मतलब मूर्ति उन्होंने यहाँ पे बसाया है इस मंदिर पे। एंड ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो गोपुरम, इसका एक स्पेशलिटी है कि सनराइज़ जो होता है, सनराइज़ ये जो आपको बीच में जो चार पांच खिड़कियाँ छोटी सी ऐसे दिख रही है ना, वही छोटे छोटे खिड़कियों में से सनराइज़ ऐसे होते होते ऊपर तक आता है। ये एक्चुअली ये मंदिर का स्पेशलिटी है एंड जैसे ही आप अंदर जाओगे हिस्ट्री आपको मिल जाएगी इन टोटल, मतलब महाभारत हो या रामायण हो, हर एक चीज़ की स्टोरी आपको हर एक मतलब एक रॉक या एक पत्थर पे आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी इस चीज़ पे। तो हर एक जब भी आप एक छोटे से चीज़ को भी अगर आपने फोकस किया ना, हर एक चीज़ में आपको एक शॉर्ट या डिटेलिंग मिलेगी, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यहाँ पे आना रहेगा तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक नोटबुक कैरी करना, पेन कैरी करना। तो यहाँ पे लोकल गाइड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, लोकल गाइड्स को किसी को भी आप ले सकते हो एंड दे विल एक्सप्लेन यू क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे कौन सा मतलब क्या स्टोरी है, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग आपको रिप्रेजेंट करके बता देंगे, एक्सप्लेन करके बता देंगे। सो ये जो स्टॉप है, दिस स्टॉप इज़ वर्थ इट। हम लोग का फर्स्ट स्टॉप भी मंदिर ही था, सेकंड स्टॉप भी मंदिर ही एंड यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगी। बैंगलोर से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर एंड हासन से ऑलमोस्ट एक 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। सो ये लोकेशन को तो अगर आप कर्नाटका आते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू मिस मत करना। ये यूनेस्को में प्रपोज्ड मतलब लिस्टेड टेम्पल्स में से एक है ये और हळेबीडु। चिकमंगलोर में हमने जो भी प्लेसेस देखा है एंड हमने क्या क्या किया ये मैं काफ़ी जल्द आपसे शेयर करूंगी अगले वीडियो में। सो टिल देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।